हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, बिकॉज आज मैं आ रखा हूँ नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के जिला पंचायत अध्यक्ष के वहाँ। ठीक है, उनका घर है, पीछे आपको पूरा घर दिख रहा होगा। और उनके पास एक सेंट बर्नार्ड है, बहुत ही ज़बरदस्त सेंट बर्नार्ड है। काफ़ी अच्छे एनिमल, मतलब डॉग लवर हैं अच्छे खासे, उनके पास बहुत सारे एनिमल्स हैं। तो आज मैं सेंट बर्नार्ड कवर करने वाला हूँ। तो आपको बताऊँगा कि यार आपको इंडिया में सेंट बर्नार्ड डॉग रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, क्या हेल्थ इश्यूज़ हैं, डाइट क्या है, फैमिली के साथ कैसा है। ठीक है, ये सारे जो क्वेश्चंस नॉर्मली वो मैं आपको बताने वाला हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है व्लॉग। तो चलते हैं, सीधे भाई से मिलते हैं। तो ये हैं उनके भतीजे, इनका नाम है अंकित यार, है ना जी। और ये है उनका सेंट बर्नार्ड। क्या नाम है यार भाई इसका? डॉन। इसका नाम डॉन है भाई साहब, क्या जबरदस्त है। कितना साल का है यार ये? ये 5 साल का। 5 साल का हो गया है। ये देखो यार, ये रहा डॉन, सेंट बर्नार्ड ब्रीड है, जबरदस्त हैवी फेस है इसका। ठीक है, देखो यार। तो यार सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि यार एक तो हल्द्वानी में इतनी गर्मी होती है, एक सेंट बर्नार्ड एक बिगेस्ट ब्रीड में आती है, बहुत बड़ी ब्रीड होती है, तो इसको रहने में गर्मियों में कितनी दिक्कत है? सर्दियों में तो रह जाता होगा। सर्दियों में रह जाता है, गर्मियों में थोड़ा दिक्कत इसे रहती है। मोस्टली हम इसको एसी से अवॉइड कराते हैं, क्योंकि ये होता क्या है, अगर हम एसी में इसको 24 घंटे रखें तो उसको एसी की हैबिट पड़ जाती है। अच्छा, कोशिश करते हैं इसको दोनों टेम्परेचर में ही रहे। अच्छा, तो जैसे अभी बाहर रखा हुआ है हमने धूप में ना, अभी मतलब मोस्टली अंदर रहता है तो फैन के नीचे हम इसे रखते हैं। एसी जरूरत नहीं है? एसी की जरूरत पड़ती है इसको, मगर हम कोशिश करते हैं कि इसको अवॉइड कराएं, फिर उससे क्या होता है इसकी बॉडी हैबिचुअल हो जाती है। तो प्रॉपर एसी चाहिए होता है, तो जितना आदत डालो उतनी आदत खराब होती है। जितना आदत डालो, जैसे अभी हमने इसको पिछले 2 साल से हम इसको फैन में ही रख रहे हैं। अच्छा, अभी इसको एसी की जरूरत नहीं है, तो अभी नॉर्मल ये जैसे हम मोस्टली अगर हम अपना चलाते हैं हाँ। इसको भी उसमें रख लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ओ भाई, तो देखो यार अगर आप के घर में एसी नहीं है तो भी चल जाएगा काम, अगर आप जैसे आदत डालेंगे ना वैसा होता है। ठीक है, तो गर्मी में थोड़ी दिक्कत आती है। और इसके बाल मुझे छोटे लग रहे हैं थोड़े से, मतलब हाँ, बाल इसके कट किए हैं। कट किए हुए हैं अभी, ये पूरे इसके क्या बोलते हैं आपके, मई स्टार्टिंग में पूरे बाल कट हो जाएंगे। अच्छा, और काटो के बाद पूरा पूरा जीरो। ओह, तो ये सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि डॉग को गर्मी लगती है, गर्मी की वजह से। अच्छा, इसलिए इसके जो होते हैं बाल काट दिए जाते हैं यार। तो ये आप हर समर में करते होंगे? हाँ, दिन में थोड़ा लेजी रहता है और नाइट में तो ये काफी एक्टिव रहता है। अच्छा, तो इसी से मेरा सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि सिक्योरिटी पर्पस के लिए कैसा डॉग है? बेस्ट है, एकदम बेस्ट। बेस्ट है? हाँ, एकदम बेस्ट है। तो मतलब गेट आपने बंद कर दिया तो कोई अंदर नहीं आ सकता? नहीं आ सकता है, इसके होते हुए तो नहीं आ सकता। अच्छा, मेरे को लगता था कि सेंट बर्नार्ड सिर्फ फैमिली ब्रीड, मतलब डॉग है, कुछ नहीं करता। नहीं, 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 इसके होते हुए तो नहीं आ सकता है। हाँ, मोस्टली बहुत बार हुआ है जाने की कोशिश करता है तो ये नहीं आने देता है। भाई यार ऐसा है ना, सेंट बर्नार्ड आपको लगेगा खूबसूरत डॉग है, कुछ नहीं करेगा, पर काफी लार्ज ब्रीड होती है। ठीक है, और सिक्योरिटी के लिए भी, मतलब अगर आपने बनाया है तो अच्छी खासी सिक्योरिटी कर सकता है ये डॉग भी। हाँ, बिल्कुल। डॉन काफी हेड, काफी बड़ा हेड है यार, मैं टच कर लूँ कुछ करेगा तो? नहीं 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 करेगा। पक्का? हाँ हाँ बिल्कुल। डॉन आ जा, डॉन 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 आ जा भाई। भाई देखो यार, काफ़ी फ्रेंडली बनाया यार, थोड़ी जो लार्ज ब्रीड होती है ना मैं टच करने में थोड़ा डर लगता है, बट देखो यार इसके बाल देखो आप कितने बड़े, अभी भी काफ़ी बड़े बाल हैं इसके, है ना। तो जैसे पहाड़ी वाले इलाकों में तो आराम से रह लेगा, कोई दिक्कत नहीं, पहाड़ी तो आराम से, वहाँ तो बाल बाल काटने की भी जरूरत नहीं है। तो देखो अगर आप प्लेन्स में रहते हैं ना तो थोड़ी दिक्कत आएगी गर्मियों में। आजा चल ले भाई, थोड़ा सा आजा आजा आजा, चल चल आजा। देखो यार, तो ये डॉग आलसी कितने होते हैं यार? बहुत आलसी होते हैं, तो दिन के टाइम बहुत ज्यादा आलसी होते हैं यार। देखो ये तो कैसे फैल गया यार पूरा। उठ जा भाई, चल चल उठ जा, चल बेइज्जती मत करा, वीडियो बन रहा है, आजा। तो फुल मजे आ रहे हैं यहाँ पे गार्डन में। उठ भाई। तो यार देखो थोड़े से आलसी होते हैं दिन में, पर इसको हैंडल कितना कितना मुश्किल होता है? नहीं, हैंडल करना इतना टफ भी नहीं है। टफ नहीं है? नहीं, इतना टफ नहीं है। अगर ट्रेनिंग दी हुई है तो इजी है थोड़ा। अभी ट्रेनिंग दी हुई इजी है ना, अब बड़ी मुश्किल से उठा यार। आ जा डॉन, गर्मी हो रही ना, गर्मी से अवॉइड कर रहा हूं। अच्छा, धूप में जा ही नहीं रहा यार। अब मेरा सेकंड क्वेश्चन आता है कि ये सेंट बर्नार्ड जो होता है इसकी डाइट क्या होती है? ठीक है, काफी क्योंकि बड़ी ब्रीड है तो लोग ले तो लेते हैं सेंट बर्नार्ड। नहीं, डाइट ऐसा कुछ नहीं है, डाइट तो खैर आपके हाथ में है कि आप इसको कैसी डाइट देना चाहते हो। अच्छा, हाँ, आपके हाथ में है। जैसे हम इसको क्या कहते हैं, शाम को 5 रोटी या 6 रोटी इसे हम देते हैं बस। हाँ, 6 रोटी, बाकी थोड़ा ग्रेवी फूड। हाँ, और क्या कहते हैं, पेडिग्री। पेडिग्री? हाँ, बस बस शाम और सुबह। बस सुबह हम इसको वो देते हैं, सिर्फ पेडिग्री। सिर्फ पेडिग्री? हाँ, इतना ही खाता है ये बस, दिन में हम इसे कुछ नहीं देते हैं। ओह, दिन में कभी कभी जैसे गर्मी का टाइम आ गया तो थोड़ा कभी मट्ठा वगैरह दे दिया, ठंडी चीज कुछ। हाँ, बस पर मट्ठा दही वगैरह दे दिया। हाँ, तो नहलाते वहलाते, मतलब बात नहलाते इसको हफ्ते में 2 या 3 दिन।
अच्छा गर्मी में तो हम तीन चार दिन नहाते हैं। तो भाई देख लो यार सेंट बर्नार्ड का, मेरे को ऐसा लगता था कि इसकी डाइट काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों ने बोला है सेंट बर्नार्ड ज़्यादा खाते हैं, बट ये तो भैया तो बोल रहे हैं सिर्फ 6 रोटी शाम को और सुबह थोड़ा सा फूड फीड है ना वगैरह दे दिया बस। तो ज़्यादा खर्चा डाइट का नहीं है, अगर आप ज़्यादा दोगे तो खा लेगा, ये ऐसा नहीं कि नहीं खाएगा। हाँ ऐसा नहीं है कि नहीं खाएगा, ज़्यादा दे दोगे तो खा लेगा। डाइट आपके हाथ पर डिपेंड है कि आप कैसे इसकी डाइट कैसी डाइट रखते हो ना। तो ये देखो यार, तो डाइट आपके हाथ में कैसे देते हो आप, लेकिन मैंने सुना था अमेरिकन बुल्ली वगैरह जो डॉग्स होते हैं ये ग्रेट डेन वगैरह ये इतना खाते हैं। हाँ ये खाते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी ब्रीड है ना एक तो ये, लेकिन आप कंट्रोल करेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। तो ये तो होगी डाइट की बात, ठीक है। अब एक और इशू आता है कि जो बड़ी ब्रीड होती है जितनी भी, इन पे हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा आते हैं। हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा है ना, जैसे ग्रेट डेन हो गया उसको इशू आते हैं, ये जितनी बड़ी ब्रीड होती हैं, तो इसके मतलब क्या इशू आते हैं हेल्थ के, और अभी तक कुछ आए हैं? हाँ ये थोड़ा बीमार बहुत जल्दी हो जाता है, जैसे इसको क्या है आप नॉनवेज वगैरह आप अगर देते हैं हाँ हाँ तो ये बहुत जल्दी बीमार होता है उससे, नॉनवेज देने पे। हाँ तो हम इसको अवॉइड करते हैं नॉनवेज। ओ मतलब ऐसा क्यों, नॉनवेज सिर्फ नॉनवेज से? नॉनवेज से थोड़ा एलर्जी टाइप की है। अच्छा पीसेस वगैरह दे देंगे तो इसको बहुत जल्दी एलर्जी हो जाती है। तो वो तो इस स्पेसिफिक होगा कि इस डॉग की बात होगी ना, वो तो इसके साथ तो है ही है नॉन वेज के लिए। वैसे नॉर्मल कुछ इशू आया शुगर का, ओबेसिटी, डायबिटीज का, ऐसे डॉग मैंने ऐसा भी कुछ नहीं आया? पर यार मैंने काफ़ी सुना कि सेंट बर्नार्ड जो डॉग होते हैं थोड़े जैसे उम्र होने लग जाती है तो इनकी डायबिटीज़ और ये सब कोलेस्ट्रॉल के इशू आने लग जाते हैं काफ़ी, मतलब देख रहे हो चब्बी चब्बी सी स्किन है आपको दिख रहा होगा, ये देखो आँखें भी इसकी पूरी छुप गई हैं अभी। तो देखो यार अगर आप ऐसी ब्रीड लेते हो बड़ी, तो मैं आपको सबसे पहले बोलूँगा कि आप इसकी रेगुलर एक्सरसाइज और वॉकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसको घुमाने नहीं ले जाओगे तो ये आलसी हो जाएगा और एक ही जगह पड़ा रहेगा और फिर बीमारियाँ ज़्यादा ज़्यादा जल्दी जल्दी पकड़ती हैं, ठीक है। जैसे अभी देखो इसको लेटा हुआ आराम से, अरे डॉग सोना ज़्यादा पसंद करते हैं, कितना ज़बरदस्त है यार, पूरे रिंकल्स आ रहे हैं फेस में। और ये फैमिली के साथ कैसा है, आपके घर में बच्चे अच्छे हैं? बच्चे तो नहीं, जैसे बच्चे आते रहते हैं रिलेटिव्स के, हाँ तो उनके साथ फ्रेंक रहता है, फ्रेंडली रहता है। हाँ, फ्रेंडली रहता है, ऐसी कुछ दिक्कत नहीं है। अच्छा जैसे मैं भी फर्स्ट टाइम आया हूँ, उससे फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ मैं, देखो यार इसने मुझे कुछ नहीं, पूँछ हिला रहा है और जो, और देखो यार ये देखो मतलब आई एम टोटली स्ट्रेंजर यार, देखो सूंघ रहा है भाई, क्या सूंघ रहा है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, लेट गया यार। तो मतलब कोई दिक्कत नहीं होती है, सेंट बर्नार्ड को फ्रेंडली डॉग माना जाता है, ठीक है। और सिक्योरिटी के लिए भाई बोल रहे हैं इसे रात को एक्टिवेट हो जाता है सिक्योरिटी के लिए, ये जो गेट है ये बंद हो जाता है सामने वाला गेट, तो अभी फुल सिक्योरिटी भी करता है, पर काटेगा नहीं किसी को अननेसेसरी, ऐसा कुछ नहीं काटेगा ना। तो देखो गाइस अभी ये क्या है ना, देखो गर्मियों में यहाँ पे एसी लगा हुआ है, अभी एसी लगा हुआ है, सब लोग यहाँ बैठते हैं, यहाँ पे अभी सिर्फ फैन चल रहा है, एसी लगे हुए पर एसी चल नहीं रहा है देखो, और ये सिर्फ यहाँ पे आराम से बैठा हुआ है पंखे के नीचे, देखो पंखे के नीचे आराम से बैठा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे इन्वायरमेंट में ये आराम से रह सकता है। तो एसी की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन आप लगाओगे ना तो आदत पड़ जाएगी, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। डॉग को एसी की आदत मत लगाओ तो ऐसे में दिक्कत हो जाएगी, पंखे की आदत लगाओगे तो पंखे में आराम से रह लेगा। देखो काफ़ी ठंडा हो रहा है यहाँ पे, आराम से रह रहा है। और यार ये देखो ये है इसका फीड का, ठीक है। तो ये आप जो ये भर के देते हो आप? नहीं भर के नहीं, थोड़ा हाफ करते हैं इसको हम। हाँ ये इसने भी खाया हुआ है, बाकी इसका सुबह का, इसने सुबह भी पूरा कंप्लीट नहीं किया, इसने पूरा कंप्लीट नहीं किया है। देखो यार आजकल क्या है, समर चल रहे हैं तो इस वजह से थोड़ा कम खा रहा है, कम खा रहा है ना। हाँ। तो देखो यार इसको भी इसने कम्प्लीटली नहीं खाया, ऐसा बोलते कि सेंट बर्नार्ड की फीड ज्यादा डाइट ज्यादा होती है, पर देखो नहीं, पर ये खा लेगा इसको कम्प्लीट कर, रात को भूख लगेगी तो ना। और देखो इसको आपको पानी हमेशा भर के रखना है ऐसे, क्योंकि इसको प्यास बहुत लगती है काफ़ी, मतलब गर्मी लगती है, तो जैसे ही इनको प्यास लगेगी आपको ये पानी हमेशा भर के रखना है, जैसे प्यास लगेगी तो पानी ये पी लेता है, ठीक है। और डाइट इसने देखो कुछ कर नहीं रहा ये, और देखो मैं ऐसे मोस्टली जो डॉग होते हैं ना वो फूड एग्रेशन उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा होता है, मैं इसके जो ये बोल रखा है उसके पास आके ये वीडियो बना रहा हूँ, टच भी कर रहा हूँ, कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा है, आराम से बिल्कुल बैठा हुआ है। काफ़ी फ्रेंडली डॉग ब्रीड मानी जाती है, आप ले सकते हो आपके घर में, अगर छोटे बच्चे हैं लेडीज़ हैं तो आप आराम से इस डॉग ब्रीड को ले सकते हो, ठीक है, बिल्कुल भी अग्रेशन नहीं होता है। तो गाइस ये था यार हमारा अंकित भाई का सेंट बर्नार्ड, कैसा लगा आपको डॉग तो कमेंट करके ज़रूर बताना यार, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो कहते हैं अंकित भाई, ठीक है, टिल नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय।